मैं डॉक्टर स्टेफी ट्रेजा मुर्मू हूँ और मैं संथाल जनजाति जो झारखंड में हैं उनमें से एक हूँ और इसी वजह से मुझे आदिवासियों के कल्चर और आर्ट म्यूज़िक इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी बेहतर जानकारी है जो शायद बाक़ियों के पास थोड़ी कम है तो ये एक चीज़ है और मैं खेती भी करती हूँ और एक तरीके फार्मर भी हूँ तो झारखंड को अगर हम देखेंगे के लिए तो इसे हम तीन भागों में बांट सकते हैं पहला भाग है छोटा नागपुर जिसमें रांची और उसके आसपास के क्षेत्र आते हैं दूसरा है कोल्हान जो जमशेदपुर और उसके आसपास के हैं जो उड़ीसा बॉर्डर से बहुत नज़दीक है और तीसरा है संथाल परगना और मैं संथाल परगना की संथाल जनजाति को बिलोंग करती हूँ और संथाल परगना बहुत काफ़ी बड़ा सा एरिया है और वहाँ के जो जो कल्चर है वो इधर के कल्चर से काफ़ी अलग है भाषा भी अलग है हालांकि भाषा को अगर देखें तो संथाल हो मुंडा ये लोग लगभग एक तरीके की ही भाषा बोलते हैं लेकिन अगर हम उरांव देखते हैं तो वो बिल्कुल भी अलग बोलते हैं तो भाषा का भी बहुत मज़ाक हमें देखने को मिलता है कल्चरली भी बहुत अलग है डांस फॉर्म अलग हैं और ये जो मैंने पहन रखा है और ये इसको कहते हैं पंची पढ़ान ठीक है पंची पढ़ान है और ये टू पीसेस में आ सकता है जैसे ऊपर वाला ये है और नीचे हम ऐसे पहनते और ज्वेलरी भी जो मैंने डाल रखी है इसको मंदली कहते हैं ये भी संथाल ज्वेलरी है जो आपको कहीं और नहीं मिलता जो लोकली बनाते हैं बस वही बनाते हैं जैसे आपके बाकी ज्वेलरी शॉप्स में आपको नहीं मिलता है इसको ठेका कहते हैं और ये ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड का बनता है बदता था इनफैक्ट आजकल तो कारीगर भी बहुत कम रहे हैं और अगर आप इसको ज़ोर से छुएंगे तो ये बिल्कुल से दब जाता है और इसको बनाना बहुत ही मुश्किल होता है और ये मेरी सासू माँ ने मुझको दिया उनके सासू माँ ने उनको दिया इस तरीके मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास आती जा रही है आदिवासी कल्चर के बारे में जहाँ तक बात है तो एक चीज़ जो बहुत अच्छी है जो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को शायद सीखने की ज़रूरत है वो ये है कि महिलाओं को बहुत असम्मानजनक स्थिति में रखा जाता है यानी वो सम्मानजनक स्थिति में है आ, कि पुरुषों और महिलाओं में ज़्यादा भेद नहीं है बस उतना ही भेद है जितना प्रकृति ने बना करके भेजा है यानी वो माँ बन सकती हैं और पुरुष माँ नहीं मतलब आ, प्रोक्रिएट जो है या फिर कहते हैं कि पैदा नहीं कर सकते हैं सृष्टि को तो ये ये जो चीज़ है इसका बहुत आदर और बहुत सम्मान है आदिवासी समाज में और महिलाओं को बहुत सम्मानजनक स्थिति में रखा जाता है देखा भी जाता है और इसका एक उदाहरण ये है कि हम लोगों में यानी आदिवासी समाज में डाउरी नहीं है दहेज की कोई परंपरा नहीं है और दहेज की परंपरा नहीं है तो इस वजह से जो महिलाओं के साथ जितने भी अत्याचार होते हैं वो बिल ना के बराबर है और दूसरी बात यह है कि बच्चियों के पैदा होने पे भी कभी ऐसा नहीं होता कि शोक बना रहे हैं या कुछ है उल्टा हमारे में ये है कि अगर बेटियों की शादी होती है तो जो लड़के वाले होते हैं वो दे के जाते हैं गहन जैसे मैंने बताया मेरी सासू माँ ने दिया मैंने ये नहीं बताया मेरी माँ ने दिया है इसलिए क्योंकि वो ससुराल पक्ष से आता है तो ये एक चीज़ मुझे लगता है आज की सोसाइटी में जब हम फेमिनिज़म की बात करते हैं ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो उस वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को हम उचित सम्मान दें एक उचित स्थान दें लेकिन आ, आम तौर पे ये समझा जाता है कि आदिवासी समाज ऐसा होता है जहाँ पे महिलाओं को पता नहीं कौन सा उनको कुछ पता ही नहीं होगा शायद लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि मुझे लगता है उल्टा है कि बाकी दुनिया को ये देखना और सीखना चाहिए कि महिलाओं का किस तरीके आदर करें और जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है तो जब हम इस चीज़ की बात करते हैं तो आ, शायद हमारा देश जो है वो आ, जब आज़ाद हुआ तब के बाद ही हम अपने देश को एक उस तौर पे देख सकते हैं क्योंकि उससे पहले बहुत सारे और कंट्रीज़ थे जो हमारे साथ थे लेकिन तब तक हमें डेमोक्रेसी के बारे में नहीं पता था क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया था लेकिन अगर मैं अपने समाज की बात करूं, तो ये बहुत पुरानी परंपरा जिसको मंझी परगना सिस्टम कहते हैं वो बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा था ऐसा नहीं कि अंग्रेज़ों ने ये इंट्रोड्यूस किया बल्कि अंग्रेज़ों को शायद इसके बारे में आदिवासियों से शायद पता चला हो आ, क्योंकि मंझी परगना सिस्टम में क्या होता है पहला मांझी होता है मंझी ठीक है मंझी मतलब विलेज हेडमैन है उसके साथ उसका असिस्टेंट है जिसको जोग मंझी कहते हैं और उसके बाद नायके है नायके यानी पुरोहित जो कि धार्मिक कार्यों में आ, काम करता है और उसके बाद गुडित होता है जिसको मैसेंजर कहते हैं यानी एक गाँव से दूसरे गाँव कोई खबर पहुँचानी हो तो वो पहुँचाता है और इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि महिलाओं का भी उतना ही बड़ा स्थान है अगर मंझी है तो मंझी बुढ़ी है मतलब मंझी बूढ़ी मतलब फीमेल उनकी जो वाइफ है उनकी जो बेटर हाफ है तो उनके साथ भी वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे जोग मंझी के साथ ये है कि वो यूथ के बारे में उनको गाइडलाइन देते हैं या उनको गाइडेंस देते हैं कि जिंदगी में आप कैसे आगे बढ़ेंगे तो उन सारी चीज़ों में क्या शामिल है शिकार कैसे करना क्योंकि उस वक्त समाज ऐसा था कि आप शिकार करके ही खाते थे मतलब जो भोजन आज क्योंकि हम अब व्यापार में हैं शिक्षा में हैं नौकरी में हैं तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं लेकिन अगर हम आदिवासी समाज की बात करें शुरुआत में तो वो हंटर गैदरर वाली सोसाइटी हुआ करती थी तो शिकार कैसे करना है आ, या फिर आ, आपको वॉर अगर है तो आपको कैसे दूसरे के साथ कैसे डिफेंस करना है वो सारी चीज़ें वो सिखाते थे इसके साथ साथ महिलाओं की यानी जोगमझी बुढ़ी जो होती थी वो लड़कियों को सिखाती थी कि आप घर कैसे चलाएंगे या हर्ब्स मेडिसिनल हर्ब्स कौन से हैं कि इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आप जैसे आपका भोजन अच्छा बनेगा या फिर पेट में मरोड़ आ रहा है तो आप कौन सा क्या खाएंगे और अगर सर्दी का मौसम है तो आप अपने आप को वार्म कैसे रखेंगे रहे, ये सारी चीज़ें वहाँ बताते थे जहाँ तक आदिवासी रिलीजन की बात है तो वहाँ पे बहुत अलग सा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट क्या है कि बाकी रिलीजन को आप देखें क्योंकि समेटिक रिलीजन देखें यहाँ इंडिया की जो रिलीजन है हिंदुज़म देखें या फिर जैनिज़म कोई भी को, बहुत ढेर सारे जो भी रिलीजन हैं या फिर इस्लाम है बाकी सारी चीज़ें जुडाइज़म है, है क्रिश्चियनिटी सब जगह पे आप देखेंगे कि हालांकि वैसा बना था या नहीं बना था लेकिन जो प्रैक्टिस में है वो ऐसा होता है कि ईश्वर है यानी करता है और सृष्टिकर्ता और मनुष्य के बीच में यानी जो जो भक्त हैं और ईश्वर के बीच में एक बीच की एक बीच में कुछ लोग हैं जिनको हम कहते हैं पुरोहित वर्ग तो ये जो है वो जोड़ते थे ईश्वर और मनुष्य को जोड़ते थे लेकिन यहाँ पे आदिवासी समाज में बहुत अलग परंपरा है आपके ईश्वर यानी सृष्टिकर्ता और जो इंसान है उनके बीच में कोई नहीं है वो कनेक्टेड है मतलब इनके बीच में कोई भेद नहीं है यानी मुझको अगर ईश्वर से बात करनी है तो मुझको एक पुरोहित की ज़रूरत नहीं है मैं खुद ही अपना जो भी प्रार्थना है वो मैं सृष्टिकर्ता से कर सकती हूँ तो फिर पुरोहित क्या करते हैं पुरोहित कहाँ आते हैं जब विवाह होता है तो हमारे में बोंगास के कॉन्सेप्ट है अब आप बोंगा कैसे समझेंगे वो थोड़ा सा थोड़ा मुश्किल होगा शायद लेकिन मैं आसान तरीके से बताने की कोशिश करूँगी ये शक्तियाँ होती हैं बंगास आर द इनविजिबल सुपर नेचुरल पार्स जो दिखते नहीं हैं मगर आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं जैसे अगर खेती खराब हो रही है तो उसके लिए एक अलग बुंगा है जिसके बा uh, जिसके पास पूजा करना है uh, मतलब पूजा इन सेंस वैसे नहीं uh, uh, उनको खुश करने के लिए उनको लिबेशन देना है यानी चढ़ावा देना है आपको हड़िया यहाँ पे मैं फिर हड़िया के बारे में भी बताऊँगी तो हड़िया का चढ़ावा देते हैं जिससे कि उस बोंगा की जो भी इच्छाएँ हैं वो पूर्ति हो जाए और कुछ अनाज चढ़ाते हैं और अगर जैसे फल या सब्जियाँ जैसे पहला जो सब्जी आता है या जो आपने उत्पादन किया उस चीज़ को भी चढ़ा सकते हैं तो ये एक बहुत अलग सा मैंने देखा है कि ये और कहीं नहीं मिलता है यानी ईश्वर और आपके बीच में कोई भेद नहीं है लेकिन बंगास और आपके बीच में यानी प्रकृति जैसे कि अगर बहुत बारिश हो रही है उसको रोकना है तो वहाँ पे फिर पुरोहित की ज़रूरत है वो उसके साथ आपका सामंजस्य स्थापित करने के लिए करते हैं तो ये बहुत ही मुझको लगता है कि एक सुंदर कॉन्सेप्ट है मैं खुद की यहाँ झारखंड के आदिवासियों की बात करूँ तो एक चीज़ मैं बोलना भूल गई थी वो ये था कि जैसे आपने रिलीजन के बारे में पूछा यानी कि हम कौन सा रिलीजन मानते हैं रिलीजन का तो अभी उसको सरना के नाम से लोग बोलते हैं क्योंकि हम एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुँचे हैं कि क्योंकि अब रिलीजन की बहुत लड़ाई चलने लगी है तो हमें भी जो आपने बोला कि आइडेंटिटी जो है वो उसके लिए हमें भी फाइट करना पड़ रहा है तो इसलिए उसको एक सरना का नाम दिया गया लेकिन अगर इसको ना देखें अगर सरना धर्म के रूप में हम ना देखें हालाँकि वो एक विश्वास है जो प्रकृति के साथ है सरना का मतलब ही होता है प्रकृति के साथ आपकी जो बॉन्ड है जितनी भी प्रकृति की चीज़ है उसके साथ आदिवासियों का एक अलग ही कनेक्शन है तो जैसे धर्म की जो बात है जो मैंने बताई कि प्रकृति और आदिवासियों के बीच जो संबंध है वही उनका धर्म है जिसको आप सरना के नाम से हम लोगों ने सारे आदिवासियों ने मिल कर के इस पर एक्सेप्टेंस दिया है कि ठीक है इसको हम सरना के नाम से बोल सकते हैं क्योंकि कागज़ी जब कार्यवाही होती तो वहाँ पे आपको एक कोड चाहिए आपको एक धर्म का कोड चाहिए लेकिन अगर आप देखेंगे तो मंदिर नहीं है हमारे पास मस्जिद भी नहीं है मतलब हमारे पास कॉन्क्रीट जैसे होते ना ईंट पत्थरों की ईश्वर को कैद करके रखने की जगह नहीं है तो यहाँ आदिवासियों में क्या है कि हम हमारा जो सरना स्थल है वो बिल्कुल खुला रहता है वो जंगल का एक पैच है जहाँ पे पेड़ है जहाँ पे पक्षी है जहाँ पे चीटी है भौरे हैं तितलियाँ हैं सब कुछ है प्रकृति तो प्रकृति का वो एक छोटा सा लैंड जिसको हमने आप कह सकते धार्मिक स्थल है वो हमारा तो हमने उसको कैद करने की कोशिश नहीं की प्रकृति को हवा को धूप को बारिश को कैद करने की कोशिश नहीं की वो एज़ इट इज़ है तो ये मुझको लगता है कि एक अच्छा उदाहरण है हमारे धर्म को समझने के लिए और जंगल के साथ या प्रकृति के साथ हमारे जुड़ाव को देखने के लिए कि आज भी जितने भी फॉरेस्ट पैचेस बने बचे हुए हैं वर्ल्ड में वो भी आदिवासियों की बदौलत ही हैं अदरवाइज तो बिल्डिंग्स आ रहे हैं रोड्स आ रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन अगर हम जा भी रहे हैं तो वापस तो हमें धरती के पास ही आना है तो ये जो मेरे हाथ में है इसको बनाम कहते हैं और आदिवासी समाज की जो ख़ूबसूरती है उसका एक पहलू ये भी है कि ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है और ये एक तारे की तरह है और इसकी बनावट आप देख सकते हैं वो काफ़ी अलग है अगर हम वीणा देखें या फिर और बहुत तरीके के बांसुरी देखें हारमोनियम देखें उन सब से बिल्कुल इसकी जो शक्ल है वो बहुत अलग है क्योंकि ये मनुष्य के फॉर्म में है तो यहाँ मैं बता दूँ कि ये मदर गॉडेस है यानी प्रकृति है और उसके गर्भ में मनुष्य है तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है और इसको बनाने या इसको देख करके के आपको समझ में आ भी जाएगा शायद कि इसको बनाने वाले की सोच कहीं ना कहीं बहुत बड़ी थी क्योंकि बिना सोच के तो आप कोई चीज़ बना नहीं सकते हैं और यानी नेचर और ह्यूमैनिटी के बीच का कनेक्शन उस इंसान को पता था जिसने ये बनाई और ये जिन्होंने बनाई वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं वो बिल्कुल गांव के बहुत साधारण से इंसान हैं लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि उनको नॉलेज है अगर नॉलेज नहीं होता तो इतनी खूबसूरती से नहीं बना सकते और यहाँ आप देख सकते हैं जैसे हम हिंदी में एक कहावत भी है कान एठना तो हम हमें नहीं पता कि कान ऐठना कहाँ से आया वो यहाँ से शायद आया होगा क्योंकि इसको जब ऐठते हैं तो इसकी जो सुर है वो सही से निकलती है हाँ हॉड होपोन जो मैंने आपको बताया ना हम एक दूसरे को हॉड होपोन कहते हैं इंसान के बच्चे यहाँ रांची में मैं रह नहीं पाती हूँ गांव की तरह मुझे गांव में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है तो रह नहीं पाती हूँ इसलिए मैंने छोटा सा गांव इधर बसा रखा है क्योंकि वो कमी ना महसूस हो और जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं इनमें किसी में भी मैंने वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र नहीं डाला है ऑर्गेनिक ही हैं सारे और ऑर्गेनिक में हमारा क्या है जैसे राख अगर कीड़े लग रहे हैं तो आप राख लगा देते हैं तो उससे ये ख़त्म हो जाता है या फिर कुछ भी बच जाता है घर में केले के छिलके हैं बहुत सारे जैसे लौकी है लौकी को भी अगर जब आप छिलते हैं या फिर आलू का जो छिलका है वो सारा चीज़ रख करके फिर उसको डाल देते हैं इसके ऊपर बायो फर्टिलाइजर बन जाता। हाँ बायो फर्टिलाइज़र बन जाता है और गोबर सबसे ज़्यादा तो गोबर लगा गोबर है और दूसरा और एक चीज़ होता है करंज एक चीज़ होता है जिससे तेल निकलता है तो उसका जो बच जाता है जो हम गायों को देते हैं खल्ली टाइप हाँ तो करंज की खल्ली है यहाँ पे आपके पास वहाँ पे कुछ और खली होगा नीम खली है ना? तो वो सारी चीजें लगा देते हैं ये जो आप दीवार पे देख पा रहे हैं इतनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, इसको जेरड आर्ट कहते हैं जेरड है और जेरड का शाब्दिक अर्थ होता है संथाली में लीपना क्योंकि ये लीपने से ही बना हुआ है शायद इसीलिए इसको जरड़ कहते हैं अभी ये बहुत पुरानी परंपरा है जिसको मैं डेट तो नहीं बता सकती कब से शुरू हुआ लेकिन मेरी दादी उनकी दादी उनकी दादी मतलब बहुत टाइम से ये चला आ रहा है और इसको मिट्टी से बनाया जाता है मिट्टी में गोबर और भूसी मिला करके इसको बनाया जाता है और इसको बनने में पंद्रह दिन लगते हैं और उन पंद्रह दिनों में बहुत ही सारा प्रोसेस है जिसको किया जाता है और ये महिलाएं ही करती हैं पुरुष नहीं करते हैं और इसको जब बनाने के लिए पहले तो आपको दीवार साफ़ करनी होती है जैसे वहाँ पे बिल्कुल साफ़ खाली है फिर उसको गोबर से उसके ऊपर लगाना पड़ता है फिर उसके ऊपर मिट्टी है ना और वो भी मिट्टी वैसे जो छनी हुई हो थोड़ी बारीक हो उस पर उसके साथ लगाया जाता है और इसको पंद्रह दिन इसलिए लगते हैं क्योंकि अगर आप नहीं इसको अच्छी तरीके करेंगे तो ये फटने लगता है और ये क्योंकि इसमें चिपका हुआ है अब ये पूरे साल भर या दो तीन सालों तक इसके कुछ नहीं होगा जब तक आप बारिश में इसको ना भिगाए और ये खास करके ऐसे जगहों पे बनता है जहाँ पे बारिश डायरेक्ट नहीं पड़ती है गाँव के मुख्य द्वार में जैसे यहाँ पे भी मैंने किया है ना ये मुख्य द्वार में इसको सजाते हैं और ये कब सजाते हैं ये सोहरा एक फेस्टिवल होता है जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है यानी जब अच्छी उपज होती है लोग अपने धान काट करके जब लाते हैं खलिहानों में आ, उनके पास अनाज होता है तो तब वो सेलिब्रेट करते हैं सोहराए है। और ये संथालों का बहुत ही बड़ा एक फेस्टिवल है एनुअल फेस्टिवल कह लीजिए हार्वेस्ट फेस्टिवल कह लीजिए और उसी वक्त अपने घर की दीवार को खूबसूरत दिखाने के लिए महिलाएं बनाती है अब इसकी खासियत क्या है बाकी अगर नॉर्मल हम पेंटिंग देखते हैं तो वो फ्लैट पेंटिंग होता है ठीक है लेकिन इसमें आप देखेंगे थोड़ा उभार है डेप्थ है तो ये थ्री इफेक्ट आपको देता है इसकी विशेषता यही है कि ये थ्री इफेक्ट वाली आ, पेंटिंग है म्यूरल है इनफैक्ट और आजकल मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से लोग अब इसमें ये शीशा का इस्तेमाल करने लगे हैं तो बहुत सारी जगह पे आपको शीशा भी मिलेगा बिना शीशे के भी आप बना सकते हैं और इसमें मुख्यतः क्या बनता है तो पशु पक्षी आपको देखने को मिलते हैं लेकिन आपको इंसान नहीं बनाए जाते हैं इसलिए क्योंकि उन लगता है कि ईश्वर ही इंसान बनाता है हम जो मनुष्य हैं तो हम पशु पक्षी बना सकते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक संथाल परगना या फिर झारखंड में आप कह लें तो लोमड़ी की तरह एक होता है सियार जिसको कहते हैं तो सियार ने शिकार किया है और वो जा रहा है मोर क्योंकि मोर देखने को मिलते हैं इसलिए आपको यहाँ मोर है आप यहाँ देख सकते हैं कि मुर्गा है इसलिए क्योंकि ग्रामीण जीवन में मुर्गों का बहुत योगदान है अलार्म का काम करते हैं सुबह उठाते हैं इधर में आपको तोता है यहाँ पे भी आपका तोता है यहाँ पे बटरफ्लाई है है ना? यहाँ है कबूतर ये है कबूतर वहाँ आपको उल्लू दिख रहे होंगे और यहाँ ये यह है बगुला, यहाँ पे आपको सेम ऐसा ही बगुला देखने को मिलता है जैसे नॉर्मली तो वाइट होते हैं लेकिन हमारे पास ऐसे पोलका डॉट्स वाले भी हैं ये फूल है इस फूल को अम, टिगिर बहा कहते हैं बहा मतलब फूल टिगिर बहा कहते हैं और टिगिर बहा इसलिए आ, शायद उसको हर श्रृंगार का फूल होता है ज़्यादातर जो है वो लताएं और फूल इनका ही इस्तेमाल होता है, तो प्रकृति को करते है। हाँ प्रकृति को डिपिक्ट करते हैं जो भी देखा तो उस चीज़ को यहाँ पे लेके आते हैं और दूसरा कि जैसे ग्रीन कलर के लिए आ, पत्तों का इस्तेमाल होता है रेड कलर के लिए आपकी मिट्टी एक प्रकार की है वही है अदरवाइज ईंट जो है ईंट को पीस करके बनाया जाता है काले रंग के लिए भूसी को जला करके गोबर के साथ मिला करके लगाया जाता है पीले रंग के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है नेचुरल कलर्स नेचुरल कलर्स लेकिन यहाँ मैंने ये यह मेरा नेचुरल कलर्स नहीं है क्योंकि यहाँ को बहुत मुश्किल था तो ये एक है अदरवाइज नॉर्मली उससे बनता है आपने शहर में गांव बसाया हुआ है? हाँ मैंने शहर में गांव बसाया क्योंकि मैं मेरा जो मैं गांव में बसती हूँ लेकिन मजबूरी है कि मुझे यहाँ रहना है और मैं गांव मतलब हर दिन नहीं जा सकती तो मैंने कोशिश की है कि चलो गांव को यहाँ तो ला सकती हूँ क्या क्या पकाने वाले हैं आज हम पकाने वाले हैं जील पिट्ठ और जील पिट्ठ का मतलब होता है जील मतलब होता है मीट किसी भी प्रकार का चिकन भी हो सकता है या फिर आपका मटन भी हो सकता है जो भी जिसको जैसे खाना है उस चीज़ का बन सकता है मतलब पिठ है ये ब्रेड और इसके पीछे जो कहानी है वो वैसा है कि सोहराई जो होता है हमारा जो फेस्टिवल है संथालों का तो उस फेस्टिवल में उस फेस्टिवल में लोग शिकार पे जाते हैं ये पाँच दिनों का होता है तो एक दिन शिकार पे जाते हैं और शिकार में जो कुछ भी मिलता है यानी जो भी गेम जो भी शिकार उनको मिल गया उसका वो बनाते थे तो उसी परंपरा को याद करते हुए आज भी लोग बनाते हैं हालांकि अब तो शिकार ख़त्म हो गया है मगर आप चिकन से लोग बनाते हैं तो यहाँ हम चिकन की बनाएंगे जिल पिठे यानी ये चिकन का प्रिपरेशन है और ये ब्रेड होगा जिसमें राइस फ्लावर हम लगाएंगे टेक्निक इसमें अपनाया जाता है एक तो है कि आग में पकाते हैं ज़्यादातर लोग और दूसरा है कि पत्ते का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए तो आपको जंगलों पे डिपेंड होना पड़ेगा क्योंकि सूखे पत्ते भी नहीं हैं फ्रेश बिल्कुल निकाल करके लाते हैं और उससे फिर बनाते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी स्टिल कनेक्टेड टू द रूट्स है जैसे पहले बनता था शायद वैसे बनता मिट्टी के बर्तनों में लोग बनाते हैं बाकी बर्तनों में भी बना सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है पकना तो है ही गैस के चूल्हे पे भी पक जाता है लेकिन जो हमने कोशिश यही की है कि जितना पुराने तरीके से बन पाए तो उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है लेंगे और जो सेकेंड स्टेप है उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे अब ये तो हमारा चिकन है uh -huh. अब हमें ब्रेड बनाना है यानी रोटी चावल के आटे को लेंगे बताए थे पहले इसको आग में डाल देते दे थे सीथे. हाँ सीधे आग में डालते थे वैसे ही बना लेते थे लेकिन अब क्योंकि पहले तो ऐसा भी होता था शायद कि चिकन डायरेक्ट मतलब मिला और उसको आटे में मतलब इस चावल के आटे में बना करके डायरेक्ट ही उसको डाल देना है हल्दी नमक सब इसमें डालना है लेकिन क्योंकि वो कच्चा से थोड़ा सा आता है तो खाने में मुश्किल होती है तो अब लोग पका करके खाते तो एक किसी भी तरह के पत्ते में पका सकते हैं केले के पत्ते में आ, नहीं नहीं नॉर्मली इसी के ये सखवा के पत्ते में ही बनता है और सखवा के पत्ते इसको बनाने की जो विधि है वो भी बीच में आप एक पत्ता लेते हैं और चारों बगल से सारे पत्ते सिल, सिल देते लेते हैं, हैं। और ये यहाँ पे महिलाएं हैं वो घरों में बनाती हैं और इससे उनको रोज़गार भी मिलता है यानी इसको मार्केट में वो बेचती भी हैं भोज भात में इसमें बहुत मजा आता है खाने में हाँ, हाँ? स्वाद भी उभर के आते हम्म स्वादिष्ट सही कहा ये पिज्ज़ा की तरह है अच्छे से पक चुका है तू तो। अपने वो डाला था ना रॉम मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल उसका काफ़ी अच्छा स्वाद आ रहा है मुझे तो ये ज़्यादा मज़ा आ रहा है सामने आग जल रही है, है? इतना अच्छा नज़ारा है और गर्मा गर्म जिल पिट पिट्ठा पिट्ठा अब क्या बना रहे हैं अब मैं राइस टी बना रही हूँ सबसे सब पहले हम पानी डालेंगे ये भुना हुआ राइस है और इसका पाउडर हमने बना लिया पानी गर्म हो गया इसमें आपने लेमन ग्रास डाल दिया हाँ। अब ये राइस पाउडर डालते हैं रोस्टेड राइस पाउडर हाँ रोस्टेड राइस पाउडर ये हमारी राइस टी और चावल के खुद के जो मिठास है वो इस चाय में mm. मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आ, मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा और जो आपने हमें डिश खिलाई जिल पिठ वो mm. अति सिबिल था स्वादिष्ट था अभी से बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट था जोहार जोह थैंक यू